राजधानी दिल्ली में एक अवार्ड समारोह के दौरान दिखा अवार्ड सेरेमनी के रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों का मेला। मौका था जब दिल्ली के पश्चिम विहार के रेडिशन ब्लू में एडोन मीडिया सर्विस और सरकार एनजीओ द्वारा इंडिया गोल्डन स्क्रीन अवार्ड का ओपनिंग सेरेमनी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म अभिनेत्री डायना पेंटी, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद, स्क्रीन राइटर हैरी आनंद, पंजाबी सिंगर दिलबाग सिंह, कप्तान लड़ी समेत कई अन्य पंजाबी सिंगर मौजूद हुए और इस अवार्ड समारोह की रौनक बढ़ाई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पहली बार बॉलीवुड, मराठी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी सिनेमा जगत के सितारों को कई कैटेगरी में इंडिया गोल्डन स्क्रीन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री डायना पेंटी, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद ने पोस्टर लॉन्च कर किया और साथ ही इस अवार्ड सेरेमनी में अभिनेत्री से सिंगर बनी लीजा मलिक ने अपने सुपरहिट गाने बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस गाने पर परफॉर्म कर सबको झूमने के लिए मजबूर कर दिया। आज जो मैंने यहाँ पे देखा, दिस इज अ क्लास अपार्ट, बिकॉज इसको सोचने के लिए भी इस तरह की ब्रेन चाहिए। सो ब्रेन चाइल्ड जो मेरे आजू बाजू खड़े हैं, इनका मेहनत है। एंड थिएटर कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक इंडिया में आज तक आया है। इट्स अ वेरी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, राइट? मूवी बफ्स हैं हम लोग, फिल्म्स हर दूसरे दिन रिलीज होती है, एंड वी नीड अ प्लेस लाइक दिस वेयर वी कैन कम एंड प्रमोट आवर सॉन्ग्स एंड फिल्म्स एंड यू नो शॉर्ट फिल्म्स एंड तरह तरह की चीज़ें, जो एक प्लेटफॉर्म, एक रूफ के अंडर हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, लॉन्च भी कर रहे हैं। इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर अस। हेलो, अभी तो सर 15-16 रिलीज है, चार पांच प्रोजेक्ट पंजाब के हैं, जैसे दीजिएगा एक अलग है, उसके बाद मैनेट दो सांझ जो राइजिंग स्टार विनर है, उसके बाद पावनी पांडे जिनका लैला मै लैला हिट हुआ, उनके साथ एक गाना आ रहा है, शानकर रीमेक है, और निर्दोष फिल्म परसों ही उसका फर्स्ट लुक आया, वो भी मेरा म्यूजिक अरबाज खान जी का, अरमान मलिक के साथ बहुत बढ़िया गाना है, रोमांटिक और एंथम बनेगा डेफिनेटली, रोमांटिक है। कपिल शर्मा के साथ भी, कपिल शर्मा जी के साथ पंजाबी फिल्म आ रही है, हसन ऑफ मनजीत सिंह उन्होंने प्रोड्यूस किया था, और पहला आइटम सॉन्ग नंबर होगा चिकनी चमेली टाइम पंजाब का, पंजाबी फिल्म में वो एक मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्सी भी हो सकती है और कुछ अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी। और वोडका डायरीज आ रही है, उसमें पूरा म्यूजिक मेरा ही है, एक रेखा भारद्वाज जी का गाना है और चार गाने भी हैं जिसमें प्लेबैक भी है, और लाभ जंजुआ जी का लास्ट सॉन्ग है। देखो, नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई बॉलीवुड से रिलेटेड काम करता है, मुझे बड़ी खुशी है, अपनी अपनी है और अपने दिल्ली वाले तरक्की करें और वो भी बॉलीवुड को साथ में जोड़ते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट, आई एम वेरी हैप्पी, आई कंग्रेचुलेट देम, और ये सक्सेस होना चाहिए। और दिल्ली वाले वैसे भी, दिल्ली वाले जो क्रेज़ है दिल्ली वालों का देखने में, इंजॉय करने में और पैसे खर्चने में, ये स्क्रीन अवार्ड होने जा रहे हैं बहुत बड़े इस दिल्ली शहर में। आज से पहले जितने भी अवार्ड सेरेमनी जो भी हुई हैं वो दिल्ली में हुई नहीं, हम लोगों को फ्लाइट लेके बॉम्बे जाना पड़ता था उनकी ऐसी नाइट्स देखने के लिए या उसमें हिस्सा बनने के लिए। सो आज मुझे लग रहा है कि ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये अवार्ड दिल्ली में होंगे और दिल्ली के लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करें, दिल्ली की संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, सो आई एम सो हैप्पी। बेसिकली जो दिल्ली बेस्ड जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉम्बे से भी जो प्रोग्राम होते हैं उनका जितना व्यूशिप रहता है वो व्यूशिप तो हमारे एरिया से रहता है, दिल्ली से लेके चले, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, ये एरिया ही सबसे ज़्यादा टीवी और हर चीज़ को देखने वाला एरिया, मैं ये नहीं कहता हूँ, पूरी कंट्री में देखे जाते हैं किसी भी आर्टिस्ट को। और मेरा दोस्त है दिल्ली, जिन्होंने ये बहुत इनिशिएटिव लिया है, नया वर्कशॉप जो कर रहे हैं, और मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। आरडी के भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, बेस्ट विशेज हैं दोनों की तरफ से। बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट वाले जो मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने यहाँ बुलाया मुझे, मैं भी एक्चुअली थाईलैंड से अभी लैंड किया हूँ, मेरा शूट था वहाँ पे, तो जैसे मुझे पहले फ़ोन आ गया था कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो सीधा शूट होते ही तो लैंड होते ही सीधा घर पहुँच गए, तैयार व्यार हो गए, और ये लगा लो कि 48 घंटे के अंदर 3 घंटे से जाऊँ, बट दिस इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर, तो देखते हैं आगे। यारो ओ पीपी बम्ब भाई जीदा बदामी रंग भाई बात दे उन करे वखांदी नहीं छोटे छोटे कपड़े पौंदी नहीं ओ तेरे ही अप साडा थंप भाई जी बदामी रंग भाई जी ऐसा हो गई। थैंक यू वेरी मच। इवेंट मेरे ब्रदर डैनी जी करा रहे हैं और गोल्डन स्क्रीन अवार्ड्स करा रहे हैं, एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, बट ही ऑलवेज डू अ समथिंग गुड, तो इस बार भी कुछ अच्छा ही होने वाला है। अवार्ड का तो पता नहीं, भाई ने बुलाया और हम सर भाई के लिए आए, और भाई से मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है।
मैं काफ़ी पंजाबी ट्रैक्स में करता रहता हूँ, जैसे अभी मैंने चिट्ठियाँ लगियाँ, हाउसफुल 3 भी किया था, तो ऐसे ही आगे लगे हैं बॉलीवुड के लिए। और कुछ जो भी आता है तो फिर हम अपडेट करेंगे आपको, हमारे पेजेस से पता लगता रहेगा, जो फेसबुक पेजेस पे अपडेट होता है। गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब इस तरह का कोई अवार्ड समारोह राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि सिनेमा जगत के सितारों में भी इस अवार्ड समारोह को लेकर एक खास चमक देखने को मिल रही है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश कुमार के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।